नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र को विकास का रोड मैप बताया है। जी हां, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ और सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। नड्डा ने राजस्थान के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए केंद्र की राजस्थान केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पिछले 9 साल में 23 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। पहला है, महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मातृ वंदन की रकम बढ़ाई जाएगी, इसे 4,000 से बढ़ाकर 8,000 किया जाएगा। एम्स और IIT की तर्ज पर हर डिवीजन पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। SIT करेगी पेपर लीक की जांच। गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदा जाएगा और MSP के ऊपर बोनस दिया जाएगा। बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। ये सभी वादे जो हैं वो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए JP नड्डा ने मौजूदा अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान महिलाओं का अपमान और किसानों का तिरस्कार किया गया है, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं होगा। नड्डा ने कहा कि राजस्थान में सिर तन से जुदा करने वाले रैली करते हैं, राज्य के इस तरह के माहौल को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हम लोग कहते हैं वो करके देते हैं। बहरहाल, राजस्थान का चुनाव अब काफी नजदीक है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। चुनाव प्रचार भी तेजी से चल रहा है।